झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री 16 फरवरी को शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री समेत दो मंत्रियों आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता 2 फरवरी को ही शपथ ले चुके हैं। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री थे, लेकिन चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में 12 मंत्री होने की खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार झामुमो ने अपने सभी मंत्रियों को रिपीट करने का संकेत दे दिया है, फिर भी इनमें कुछ और नामों की अटकलें लग रही है। बता दें कि बसंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, श्रुदिव्य सोनू, मंगल कालिंदी के भी नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। पूरी उम्मीद है कि इनमें से एक नाम बसंत सोरेन का होगा। दूसरे उप मुख्यमंत्री के लिए आलमगीर आलम के नाम की भी चर्चा है। सीता सोरेन के नाम की कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही है, शायद झामुमो उनके लिए कुछ और विचार कर रहा है। वहीं कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अटकलें ही लग रहे हैं। अटकलें तो ये भी है कि इस बार बादल पत्रलेख और रामेश्वर उड़ाव मंत्रियों की सूची से बाहर हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बन्ना गुप्ता को रिपीट करने पर क्या विचार कर रही है। कांग्रेस से कुछ नए नामों की भी चर्चा हो रही है। इन नामों में मांडर की विधायक नेहा सिल्पी, राजेश कच्छप और जय मंगल सिंह के नाम की भी चर्चा है। हालांकि कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों के नामों को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण तक इंतजार करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।